गाइज अभी सैमसंग 5G स्मार्टफोन्स की सेल्स को लेकर के इंडिया में नंबर वन पर बना हुआ है। 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा 5G स्मार्टफोन्स सैमसंग ने ही सेल किए हैं। ऐसे में सैमसंग उन कस्टमर्स के लिए एक काफी कमाल का 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जो अंडर 15,000 एक अच्छा 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। दोस्तों सैमसंग की ए सीरीज का चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन गैलेक्सी A13 5G फाइनली अब गूगल प्ले कंसोल पर लिस्ट हो चुका है और अभी आने वाले कुछ ही वीक्स में यह मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसके सभी स्पेसिफिकेशंस के साथ में इसकी प्राइस और एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सभी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और उम्मीद आपको ये वीडियो काफी पसंद आने वाला है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग स्मार्टफोन्स के अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। तो गाइस यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिनमें तीनों कैमराज इंडिविजुअली सर्कुलर कटआउट के साथ आते हैं, तो ये डिजाइन काफी अट्रैक्टिव लगती है। वहीं इसके बॉटम में स्पीकर ग्रिल, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और 3.5mm का ऑडियो पोर्ट भी देखने को मिल जाता है और इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के अंदर दिया गया है जिसकी सिम ट्रे में आप 2 सिम और 1 SD कार्ड यूज कर सकते हैं, यानी कि इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिलता है। तो ये हो जाती है इसके डिजाइन की बात। वहीं अब इसके कैमराज के बारे में बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का ISOCELL GN5 प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया गया है। इसके अलावा इसमें 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगा हुआ होगा। तो एक एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग इसमें अच्छी कैमरा क्वालिटी होने वाली है। वहीं इसके फ्रंट साइड की बात करें तो इसके फ्रंट साइड में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जो कि इसके इन्फिनिटी वी स्टाइल वाले नोच में लगा हुआ होगा। तो अब इसकी डिजाइन और कैमराज के बाद में इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है और यह एक LCD डिस्प्ले है। दोस्तों इसमें MediaTek का Dimensity 700 प्रोसेसर दिया गया है। यह 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है तो इसमें एक एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह रहेगी कि यह 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो इसमें 5G कंपेटेबिलिटी को लेकर के आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। यह सभी टेलीकॉम कंपनीज का 5G को अच्छे से सपोर्ट करेगा। इसके अलावा इसमें 4GB रैम के साथ में 64GB और 6GB रैम के साथ में 128GB स्टोरेज के 2 वेरियंट्स देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पर इसकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन इसके बॉक्स में 15W का फास्ट चार्जर ही आने वाला है। तो गाइस ये हो जाती है इसके स्पेक्स की सभी डिटेल्स। वहीं अब इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात करें तो यह स्मार्टफोन 5 जून यानी कि जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है और इसका प्राइस 13,999 यानी कि 14,000 के अराउंड ही रहेगा। तो यार इस प्राइस में यह एक इंटरेस्टिंग 5G स्मार्टफोन होने वाला है। दोस्तों ये थी गैलेक्सी A13 5G की अब तक सामने आई सभी डिटेल्स। उम्मीद आपको ये वीडियो काफी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही लेटेस्ट टेक वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।